आज आपका सेवा निवृत्ति विदाई सम्मान समारोह है, इसमें आप जरा अपने साथियों को थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या सीख इन लोगों को आपके माध्यम से मिलेगी। माननीय प्रमुख जी, एडीओ साहब और जिला पंचायत सदस्य, सम्मानित प्रधानगण सभी, हमने यहाँ काफी समय 2010 से यहाँ रह रहे हैं और तब से यहीं नौकरी हो गई। किसी प्रधान से कोई किसी प्रकार की कोई नाराजी नहीं रही और सब खुश रहे। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि वो अपने जो है सही तरीके से काम करें और सही नौकरी करें। नव वर्ष के लिए आप क्या नव वर्ष के लिए बस नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि या कहें कि सभा के दूल्हा ओम प्रकाश जी, हमारे एडीओ साहब जिला पंचायत प्रधान संघीय अध्यक्ष जी शर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अन्य सभी साथियों जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि आज जो है हमारे गंगवार साहब का रिटायरमेंट है और ये तो निश्चित है कि जिस दिन मतलब आपने योगदान किया है, ज्वाइन किया है, उस दिन निश्चित होता है कि आपको सेवानिवृत्त कब होना है। एक तरह से ये खुशी का भी मौका है और गम का भी मौका है। खुशी का मौका इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें जो प्रक्रिया चल रही है और इसमें फील्ड की नौकरी वास्तव में बहुत कठिन है जो है, तो ऐसे में जो है सकुशल और बिना किसी दाग लगे पूरी सेवा करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आपने सकुशल पूरा किया है, ये बहुत खुशी की बात है। और गम इस बात का है कि हम अपने एक साथी को खो रहे हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो सरकारी कर्मचारी होता है उसके अंदर चार गुण जो है अवश्य होने चाहिए। जब उनकी एंट्री लिखी आती है तो ये सब चार बातें लिखी आती हैं कि इनका जनसंपर्क कैसा है, जनसंपर्क मतलब लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं। इस मामले में अगर कहा जाए तो इनको 100% नंबर दिया सकता है, इनका जनसंपर्क उत्तम है, अच्छा है। दूसरी बात अनुशासन हमेशा रहे हैं। तीसरी बात, जो काम को हालांकि मेरा तो अभी बहुत समय नहीं हुआ है, लगभग 1.5 महीना हुआ मुझे, लेकिन यह है कि मैं आपको पहले से ही जानता हूं जो है। जब भी मैं ब्लॉक पे आता था तो तुरंत कहते और साहब ठीक है, क्योंकि मेरा पहले ऑफिस यही बगल में ही था आपके इसके पीछे जो है, तो तुरंत आधे साहब और साहब चाय पीजिए। और जब मैं वीडियो बनाऊँ तब भी मतलब तुरंत साहब में चाय मंगवाऊँ, तुरंत मैं आता हूँ और रहेंगे तुरंत चाय मंगवाए। हेलो साहब, जिला पंचायत सदस्य एवं मंचा सिंह, सभी भाइयों मैडम एवं दूरदराज से आए हुए सभी प्रधान जी, मेरा स्टाफ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कल के जैसे मौसम में आदमी बेदाग सेवानिवृत्त पा जाए तो बहुत भाग्यशाली आदमी। दुख भी मुझे इस बात का हो रहा है कि हमारे श्री ओम प्रकाश जी बड़े विनम्र भाव के आदमी थे, समय के बड़े पंचुअल थे, जिस समय जहां चाहा वहां मिल जाया करते थे। और आज तक मेरे साथ में पहले भी आप फतेहगंज में रहे हैं और यहां तो मैं 5 महीने से आया हूं, देख ही रहा हूं इतने सरल स्वभाव के आजकल के मौसम में कर्मचारी मिलना ही बड़ा मुश्किल है। नए वर्ष का शुभ आगमन है। मैं तो ये कहूंगा कि जहां कहीं भी आप रहें आपका स्वस्थ बढ़िया रहे, परिवार साथ में मौज मस्ती रहे। हम लोगों से अगर कोई गलती हो गई हो कहा सुने में उसे माफ करते हैं। जय हिंद। वीडियो साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित ग्राम प्रधान श्रीगढ़, सुबह तो ओम प्रकाश जी का सभी को पता है, सभी जानते हैं।
कि इनके स्वभाव से मैं तो इतना खुश था कि बता ही नहीं सकता। और मेरी दिली इच्छा ये थी कि जब तक मैं इस ब्लॉक में प्रमुख था तब तक मेरे साथ अगर ये रहते तो और खुशी होती, मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ओम प्रकाश जी का काम का तरीका और व्यवहार का तरीका बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार भरा है। और मैं तो अपने जो सेक्रेटरीगण हैं उनसे भी यही कहूंगा कि हमारे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी से अगर सीख लेने की आवश्यकता हो तो सीख लीजिए। आज रिटायरमेंट ही जरूर है, मगर मुझे ओम प्रकाश जी की वक्त वक्त पर जरूरत और आवश्यकता रहेगी। और ओम प्रकाश जी, एक आपसे आग्रह है, आपको छड़ी मिली गई है, कुछ हमारे तो एक सेक्रेटरी जो है जरा इन पर जुड़ाओ की इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर वन पर जो है वो एक नजरुल है, किधर बैठे नीचे है नजरुल भाई, हाँ अपनी बात का जवाब करता हूँ।